लोकसभा चुनाव यूपी की हारी 14 सीटों पर बीजेपी उतार सकती है फिल्म स्टार, दिग्गज भी दिख सकती है मैदान में। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों सहित कुछ बड़ी सीटों पर दिग्गज चेहरों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की है। मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए पार्टी फिल्मी सितारों से लेकर प्रशासनिक हलकों की हस्तियों को भी चुनाव लड़ा सकती है। भाजपा ने प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो भी वर्ष 2019 से बड़ी जीत हासिल करनी है। ऐसे में एक एक सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी मंथन में जुटी है। पार्टी के चुनावी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर करीब 20-30% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। ऐसे में उनकी जगह योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री भी शामिल हैं। भाजपा के एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है कि प्रदेश की राजनीति के कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान में नजर आएंगे। खासतौर पर पार्टी विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों पर जीतने के लिए प्रत्याशी चयन पर मंथन कर रही है। इन सीटों पर जीत के लिए बसपा के कुछ मौजूदा सांसद या विधायकों को भाजपा में शामिल कराने की तैयारी है। वहीं अवध की कुछ सीटों पर अगड़ी व पिछड़ी जाति की जाति समीकरण के लिहाज से विपक्षी दलों के कुछ चेहरे भगवा टोली में शामिल किए जाएंगे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ पूर्व मौजूदा नौकरशाह भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। एक नौकरशाह के पूर्वांचल में बसपा के कब्जे वाली एक सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। एक पूर्व नौकरशाह पंजाब की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे। मोदी सरकार के बड़े चेहरे राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, संजीव बालियान, जनरल वीके सिंह, भानु प्रताप वर्मा सहित अन्य लोगों को फिर मौका मिलेगा। वहीं भाजपा ने गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर सहित अन्य बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे उतारेगी। इनमें फिल्म जगत की कुछ हस्तियां भी हो सकती हैं।